दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी फिलहाल रात के 2:08 का समय हुआ है और अब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। और इसकी सिमिलरिटी मैं कर रहा हूँ आपके सामने जो पेज दिखा है ना, महान कवि कालिदास, इसकी तुलना में सेलर से कर रहा हूँ। और ये अगर मान लो कहानी सुन ली मेरे जितने भी क्लाइंट है जो मुझसे सीखने आते हैं, तो उनसे मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ कि पहले अध्यात्म से वो सारी कहानियाँ जो मैंने आपसे कहना चाहता हूँ सुन लो, उसके बाद में आप मार्केट ज्वाइन करो। टिप चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे कॉल प्रोवाइडर है, तो वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा ही कमाना है तो वहाँ चले जाओ, बाकी यहाँ पर मान लो लाइफ टाइम पैसा कमाना है और लाइफ टाइम जर्नी आपको सक्सेस करनी है, सफलता की उस सीढ़ी पर जाना है कि जहाँ पर मल्टीपल इनकम की रिसोर्सेज है। टिप से घर नहीं चलने वाला है, एक दिन गया ना समझ लो सुपड़ा साफ हो गया, समझ लो सब आया हुआ है, 10 दिन का आया हुआ एक दिन में चला जाएगा। बहुत सारे उदाहरण मैंने भी देखे हैं वो मार्केट के अंदर। टिप से कोई फायदा नहीं होने वाला है पहली बात तो ये जो कहानी है वो कहानी है महाकवि कालिदास की, जिसकी तुलना मैं सेलर्स से कर रहा हूँ और सेलर्स क्या करते हैं उनकी स्ट्राइक पर, उससे कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये महान कवि कालिदास जो है फुलिशनेस कर रहे हैं यहाँ पे। एक दिन वो जिस लकड़ी पर बैठे थे उसी लकड़ी को काट रहे थे। ये उसका पोस्टर है, ये उसका इमेज है। यहाँ पर एक बंदा आता है, यार तू सबसे बड़ा मूर्ख है, देख रहा है कि भाई तू जिस डाली पर बैठा है उस डाली को काट रहा है। तो अब सोचो कि कितना महामूर्ख होगा। तो इसकी कंपैरिजन करता हूँ मैं स्ट्राइक के साथ। अब स्ट्राइक के साथ सेलर्स क्या करते हैं आप देख रहे हो, जिस स्ट्राइक पर लोग खुद बैठते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, उसी स्ट्राइक को लोग खुद तोड़ देते हैं। जैसे आप बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया, बराबर, जैसे आप बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऊपर के उनके खड़े के खड़े ही है, फिर भी ये सपोर्ट तोड़ दिया, आज सेलिंग शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो वही चीज़ है कि ये जो है ना, ये सेलर्स का तरीका है और यहाँ पे महान कवि कालिदास का, यानी महान कवि कालिदास जो है वो मूर्ख थे, तो यहाँ पर सेलर्स भी जो है वो यहाँ पर लोगों को मूर्ख खुद दिखना वो बता रहे हैं यहाँ पे। यानी 5% 10% कमाना है उनको 1500 करोड़ डाल के, तो लॉस देखना उनकी आदत सी बन चुकी है। तो ये चीज़ है कि जो नीचे की जो स्ट्राइक है ना, ये सारी की सारी स्ट्राइक जो है ना, ये लॉस ही देख रही है अभी, और ऊपर की स्ट्राइक भी लॉस देख रही है, तो बीच में लटक गया है अभी, सेलर्स खुद भी लटक गया है। तो सेलर्स यहाँ पर कर क्या रहा है, यानी महाकवि कालिदास जो है वो ये क्या कर रहे हैं। अब महान कवि कालिदास की जो आगे की जर्नी है वो मैं बताना चाहता हूँ कि महान कवि कालिदास की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। अब उनकी पत्नी में इतने ये मोह में आ गए थे कि उनको ये भी पता नहीं था कि मैं पागल हो गया हूँ अपनी पत्नी के पीछे बस। तो एक कहानी और मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ कि उस कहानी के अंदर जब उनकी पत्नी बोलती है कि आप कुछ काम धंधा करो, कुछ करो, कुछ करो, तब जाके वो कुछ करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन जो वचन होता है वो वचन तोड़कर वापस अपनी पत्नी को मिलने के लिए, इस तरह से आंधी तूफान का जो दिन होता है उस तरह वो वापस अपने घर पे चले आते। देखते कि नीचे दरवाजा बंद था, दरवाजा नीचे बंद था, और वो क्या करते पता है, जो दूसरे मंजिले पे उनकी पत्नी थी तो वहां पर एक चीज कुछ लटक रही थी, तो वो चीज को आधार बनाकर वो ऊपर चढ़ गए अपनी पत्नी से मिलने के लिए, उनकी खूबसूरती देखने के लिए। और वो जो है ना, वो गए, उनकी पत्नी ने बोला कि दरवाजा बंद था, ऊपर आए कैसे, पहले मुझे ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं रस्सी के बल पे ऊपर आया, तो मतलब मुझे बताओ रस्सी कौन सी है। तो जब रस्सी देखी तो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। देख लो यहाँ पर आपको मार्केट का सत्य दिखा रहा हूँ, ना कि मैं कहानी सुना रहा हूँ। अगर मान लो इस कहानी को सुन लिया, समझ लिया, तो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा, वरना मार्केट फिसलता जाएगा। मुट्ठी हाथ मुट्ठी में आप रेत भरते हो या पानी रखते हो तो क्या रहता है, क्या पानी और रेत रहती है, क्या निकल जाती है ना, कितनी देर तक मुट्ठी पकड़ के रखोगे मुझे बताओ। तो वही चीज़ होती है कि यहाँ पर वही मूर्खता की उन्होंने, कि जो इस डाल पर बैठकर उन्होंने की थी दूसरी मूर्खता, उसके बाद में उन्होंने देखा कि भाई मैं जो हूँ ना ये अंधा बन चुका हूँ मैं, यानी आंखों से अंधा, आंखें होते भी मैं अंधा, कि मुझे रस्सी भी दिखाई नहीं, मैं सांप देखकर रस्सी समझकर ऊपर चलाया बस। वो उनका लास्ट था।
कहते हैं ना, एक घटना जीवन के अंदर है ना उद्धार लेकर आती है, वैसे ही मार्केट के अंदर जिन लोगों के पूरे साफ हो गए, जिनका 10 लाख 15 लाख लॉस हो गया है, तभी जाके एक कुदरत जो है उन्हें सपोर्ट करती है और कोई ना कोई गाइडलाइन उनको दे देती है, कोई ना कोई संकेत उसे दे देती है कि वहाँ पे उनका सहस्त्रल चक्र के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है, यानी लॉस होने के बाद भी वो कुंडलिनी का जागृत होना। तो अगर मान लो जो ये कवि कालिदास थे, इनकी कुंडलिनी जागृत हो गई, बोले नहीं मैंने बहुत, यानी देख कर मैंने बहुत गलती की। इसी तरह मार्केट के अंदर भी लोग है ना देख कर भी गलती करते, कि देखते हैं कैंडल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कॉल लिया कॉल में प्रॉफिट बुक नहीं किया, खड़े रहे नीचे आ गए, यानी देखना और गलती करना, खड़े रहना और गलती करना, प्रॉफिट दिखना बुक नहीं करना और गलती करना। सिमिलरिटी वही चीज़ मार्केट के अंदर हो रही है अच्छी तरीके से, और डेली होती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो सिमिलरिटी वही चीज़ कवि कालिदास ने कहा कि अगर मैं देख कर कुछ नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बिना देखे करना चाहिए। उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी, उसके बाद में निकल पड़े, उनको गुरु मिल गए, गुरु की दीक्षा ली उन्होंने, जो भी कुछ उन्होंने सीखा उसमें से वो महाकवि कालिदास बन गया। अब बात वो है, यहाँ पर कहने की मस्ती बात वो है कि महाकवि कालिदास ने जितने भी लेख लिखे, जितनी भी कविता लिखी, जितने भी संस्कृत में उन्होंने श्लोक वगैरह जो भी कुछ लिखा, आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। अब सोचो, ये मेरा कहानी का सहारा है कि जो भी मार्केट के अंदर ट्रेड ओपन हुआ है, यहाँ पर ट्रेड से कनेक्ट कर रहा हूँ, कि सेलर्स यहाँ पर जो भी कुछ पैसा डाल रहे हैं, जो भी कुछ निवेश कर रहे हैं, या खुद मूर्खता कर रहे हैं, खुद की स्ट्राइक को तोड़ना, तो वो पूरे मार्केट में राज कर रहे हैं, यानी खुद लॉस देख रहे हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट ले रहे हैं, फिर भी वो राज कर रहे हैं। तो ये होती है महाकवि कालिदास की कहानी को सेलर्स के दिमाग से जोड़ना। अब मैं आता हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी के मुद्दे पे आता हूँ। आप अगर बोर नहीं हो ना तो वीडियो पूरा देखो तो समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा कि महाकवि कालिदास ने जिस डाल पर बैठे उस डाल को तोड़ा, तो यहाँ पर जिस सपोर्ट पर ये लोग बैठते हैं ना, तो उसी से मार्केट को उड़ाते हैं, यानी सपोर्ट पर ये लोग लॉस भी देखते हैं सेलर्स। लेकिन लॉस देखने के बाद में उस लॉस की कवरी उस रजिस्टर से धीरे धीरे सपोर्ट पर लेके आते हैं, उनकी लॉस की रिकवरी हो जाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट उड़ा हुआ है, जो लॉस सेलर्स ने देखा हुआ है, तो उन्होंने सेटलमेंट यहाँ पे कर लिया, 20% के अंदर सेटलमेंट कर लिया। अब ये तो 3 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। अब मुद्दे की बात पे आता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ने ना आज ये डबल बॉटम सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पे वो खुला, यहाँ से नीचे आया, नीचे आके यहीं पे सपोर्ट लिया। अब लोगों ने क्या किया पता है, लोगों ने यहाँ पर पुट लेकर रखी हुई है, पहली बात पुट लेकर रखी, और लोगों का ध्यान यहाँ पर 44,654.30 और 44,757.95। अब मैंने ये चीज़ कही है आपको, महाकवि कालिदास के अंदर जो आँख से देखते हो वो आँख से दिखता नहीं है, तो समझ लो वो आँख खोलेगा, जो बंद है उसके लिए है ध्यान, मेडिटेशन, जो महाकवि कालिदास ने की थी। तो ये 44,757.95 का जो लेवल है ना, वो ऊपर भी पड़ा हुआ है, 757 का लेवल है वो, जो ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो आपको हर जगह 757 मिल जाएगा, तो ऊपर भी आपको 620 के आसपास यहाँ पे 757, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, 43,356, 44,460, 44,860, 45,270। तो ये जो है ना आज एक टॉप देखिए आया, आज वन टॉप ये देखिए आया, यानी एक कॉल हमारा यहाँ पे हिट हुआ, जो मैंने बैंक निफ्टी का व्हाट्सएप पे जाके दिखा था कि ये मैंने मेरे कॉल दिया था वो हिट हो गया, बराबर वन कॉल मैंने दिया था वो हिट हो गया। यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ, कुछ नए लोग यहाँ पे, ये आज के कॉल है, और आज के कॉल के अंदर जो कॉल मैंने दिए थे वो हिट हो गए। अब आता हूँ मेन चीज़ पर आता हूँ, कि मैंने जो अभी अभी एक चार्ट बनाया है, और ये चार्ट जो है वही निर्देश करता है कि 44,200 की जो स्ट्राइक है ना पुट, उसने 222 के सपोर्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग किया है। 44,200 की स्ट्राइक ने यहाँ पर क्लोजिंग किया है, यानी मार्केट जो है 43,200 पे जा रहा था, यानी ये वही चीज़ हुई कि जिस डाल पर बैठना उसी डाल को तोड़ना, पहली बात। तो ये प्रीमियम जो है ना, ये प्रीमियम 222 से लेके मान लो ये ऊपर तक जाता है तो इसे मुनाफा है, वरना ये नीचे जाते हैं तो इसको मुनाफा नहीं है। यानी वापिस से वही है कि इन्होंने 222 का अगर प्रीमियम बाय किया है, सेलर्स ने खुद ने बाय किया है, तो भी इसका लोअर देंगे, तो भी इसका लोअर देंगे। तो ये जो है ना उस जिस डाल पर बैठे उस डाल को तोड़ना और प्रचलित भी होना महाकवि कालिदास की तरह। तो इसका टारगेट जो है वो नीचे की तरफ है,
लेकिन इसका लोअर जो है ना ऊपर की तरफ है। तो दो स्ट्राइक के बारे में बता रहा हूँ, उसकी खासियत है यहाँ पर। तो ये स्ट्राइक के बारे में बता रहा हूँ, मैंने पूरा अभ्यास किया उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 44,200 का पुट, तो ये जो है ना 45,200 की तरफ मार्केट जब जाने वाला था आज, और मैं यहाँ पे 44,200 का या फिर आपको सेटलमेंट दिखा रहा हूँ, तो वो सेटलमेंट दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है मैंने 45,300, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 45,300 एक्टिव फॉर प्लस। तो कहने वाला कि अगर मान लो 45,300 एक्टिव हो रहा है, तो आपको 126, 150, 178 के आपके डबल बॉटम के लोअर मिलेंगे। ये दो लोअर है ना, ये आपको मिलेंगे। और ये जो क्रॉस चैनल बनी थी जहाँ पे 45,200 की स्ट्राइक ने, जो यहाँ पे 200 ने 12 का टारगेट हिट किया, तो वो 224 का हिट करना बाकी है, पहली बात तो ये। और ये होगा इसके 155 के लोअर पे होगा, इस स्ट्राइक के 155 के लोअर पे होगा। तो मार्केट ये फ्यूचर की स्ट्राइक है, 27 जुलाई की स्ट्राइक है। मैं आपको इस पे स्टडी करना सिखा रहा हूँ, ना कि स्पॉट पे स्टडी करना सिखा रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। मैंने स्टडी ये आपको अगर मैंने बताया कि ये इतना लोअर है ना, मैंने स्पॉट की जो स्ट्राइक है 45,200 की स्ट्राइक है उसने दिया था यहाँ पे, तो उसका जो है ना 124 का टारगेट बाकी है। तो इसका मतलब कि इसका लोअर 155 बाकी है, ये लोअर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो कि मार्केट अगर मान लो कि नीचे ओपन होके सस्टेन होके ये 260 का जो सपोर्ट है यहाँ पर, ये सपोर्ट को रिट्रेस करता है, और सपोर्ट को रिट्रेस करने के बाद में लोग अगर मान लो पुट लेते, तो उनको ये नहीं पता है कि 260 से लेकर 262 का जोन है वो डिमांड जोन है। यानी 44,200 की पुट 27 तारीख वाली, ये 260 का सपोर्ट जोन है, और इस सपोर्ट से 100% बाइंग आती है। नीचे गया तो भी ये जो पुट है आज 144 पे जब क्लोज हुई, और कौन सी पुट, 45,200 की पुट, यहाँ पर 135 का लोअर देख के, जो मैंने 139 की मैंने लिया, वो यहाँ पे दिया था मेरे ग्रुप के अंदर। तो वो जो चीट थी ना, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने SLB दी थी यहाँ पे, 139 की मैंने SLB दी थी, आप देख लो यहाँ पर है, आपको दिखाई देगी, आपको भी दिखाई देगी। तो वो जो SL है ना, वो SL यहाँ पे हमारी हीट हुई है, और ये आपको दिखाया मैंने यहाँ पे। तो 139, 136 गया नीचे, डबल बॉटम भी दिया 212 टारगेट के बाद में, दूसरा वापिस ऊपर आया। अब ये जो ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन मान लो कि आपको ये मार्केट 100% पता चलता है बराबर, तो इतना जरूर बता दूं कि लोअर अभी बाकी है। किसके लोअर बाकी है, 44,200 की पुट के। यानी वही चीज है कि जिस डाल पर बैठो उस डाल को काटो। तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पर 260 का सपोर्ट, अगर 260 का सपोर्ट 44,200 का अगर कोई देख नहीं रहा है, और ये 260 का टारगेट देने के बाद में यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, तो समझ लो कहीं भैंस पानी में, मार्केट सीधा आ गया सी। इसको कहते हैं महान कवि कालिदास की तरह, मूर्ख बनकर फिर महान इंसान बनना, इसलिए ना आगे का देखना पड़ता है। ये फ्यूचर की स्ट्राइक अगर देखोगे नहीं, अगर सीखोगे नहीं, अगर समझोगे नहीं ना, तो पता नहीं चलेगा। इसका 122 का 260 टारगेट है फिलहाल, सपोर्ट है। उसके बाद में जो लोअर है ना, वो 155 का लोअर है। अगर मान लो मार्केट में 45,300 ही अगर एक्टिव हो गया, और प्रीमियम डीके करने वाला है, समझ लो कि ये एक्सपायरी में सोमवार को मंगलवार को प्रीमियम डीके होंगे, और कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम डीके होंगे, समझ लो। तो अगर मान लो कॉल के प्रीमियम ने पुट के प्रीमियम डीके करने और घिसने उसको रगड़ने, वो जो महंगे प्रीमियम है, तो वो यहाँ पर स्विंग करेंगे, तो 45,300 के एक्टिव कर देंगे। तो ये पूरी एसएल जो है ना, नीचे 44,200 की जो पुट की स्ट्राइक है ना, जहां पर सेलर देख रहे हैं ना, वहां पर लॉस खाता होगा। अब मैं आता हूँ इसका जो फुल फुल टारगेट है इसका, कि नीचे जाता है तो ये 378 का इसका सपोर्ट है, जो 320 का सपोर्ट है, 320 के सपोर्ट में वापिस से एसएल खाने के लिए ऊपर, उसके बाद में वापिस टारगेट, पुट के टारगेट यहाँ आते। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो सिमिलरिटी मैंने सब ड्राइंग करके रखा हुआ है कि ये मैक्स पॉइंट है, और ये 300 डिग्री, 360 डिग्री है जहाँ पर एक पिवोट है। अब दूसरा जो 360 डिग्री आता है ना, वो रिवर्स कैंडल के अंदर ऊपर आता है, इसे ये कहते हैं कि ये 360 डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 360 डिग्री मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से यहाँ एसएल खाने जाना, तो ये इसने क्या दिमाग लगा पता है आपको, ये चैनल यहाँ पे बना के रखी है इसने। और ये चैनल जब बनती है, तो समझ लो 100% यहाँ पर एसएल खाने वो जाता ही है। यानी बाइंग समझ लो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, यहाँ से मैंने जैसे बताया कि फ्यूचर की स्ट्राइक जो सपोर्ट लेने वाली है, तो सपोर्ट स्ट्राइक से वापस उड़ा देगा और मार्केट सी में चला जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर आपको
एक्टिवेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि कॉल होनी है, पुट होनी है। अगर मान लो ये तोड़ रहा है ना, तो ही आपको पुट में प्रवेश है, बाकी ये तोड़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे समझ लो कि आप ट्रैप हो रहे हो पुट के अंदर। और पुट के अंदर मान लो आपका कॉल खड़ा है, आपका कॉल खड़ा है और वहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो, तो पुट का प्रॉफिट जो है ना गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पहली बात ही बता दूँ, इसलिए मैंने एक ही चीज़ बताई, बिकॉज कि पुट का जो टारगेट है ना, वो भी एक आसान तरीके से बता दूँ कि मार्केट के अंदर पुट के टारगेट भी छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन से आते हैं, सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन से नहीं आते कभी। हाँ, सीधा मार्केट कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन कर दिया ना, इस सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की जो लोगों को पता चल गया है कि भी सपोर्ट रजिस्ट्रेशन इस तरह काम करता है, ये काम करता है, तो ये क्या करता है पता है, सीधा गैप डाउन ही ओपन करता है। फिर बोले आओ हिसाब निकालो, फिर नया काउंटिंग शुरू यहाँ से। अगर मान लो ये मैंने ड्राइंग इसके लिए करके रखा है बिकॉज के प्रीमियम की चाल तो वही रहेगी नीचे की, तो नीचे की जो मैंने यहाँ बताई है, लेकिन सपोर्ट भी काम करता है ना। ये सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का सपोर्ट है, यानी 27 जुलाई का सपोर्ट ये रहा है यहाँ। तो ये सपोर्ट इसलिए मैंने बनाया बिकॉज के जैसे ये सपोर्ट तोड़ता है तो सपोर्ट से बाइंग आती है, ये पूरा डिमांड जोन है यहाँ पे। 44,709.55 है, 44,700 का डिमांड जोन है। तो यहाँ पे 3 बार वो रिट्रेस करता है, 3 बार के बाद में जो है ना इस चैनल का बाइंग लाता है, और मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो समझ लो इधर अपने को कन्फ्यूजन है क्या ले पे लेता हूँ, लेकिन ऊपर 45,203 से एक्टिव रहेगी जो इस क्रॉस चैनल के अंदर टारगेट देने वाली है, जैसे कि ये क्रॉस चैनल बनाना पीवोट के ऊपर, तो ये इस तरह से चैनल बनती है बराबर कॉल के अंदर। तो ये है ना, ये छोटा सा टारगेट यहाँ पे दे देगी, यानी एसएल खा लेगी। तो ये धीरे 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 जाता है, एकदम से नहीं जाता है ये, एकदम धीरे 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 जाता है, यूँ ये करते करते जाता है ये। फिर टारगेट ये रहेगा इसका, और मान लो कि प्रीमियम सर के सारा डीके होगा ना, फिर तय करेंगे क्या करना है। इसलिए मैंने ना पुट के टारगेट में पहले से देखे रखे कि पुट के टारगेट इस तरह, और कॉल के प्री पुट के जो लोअर है ना भी मैंने देखे रखे हैं, तो 216 का तक का पुट का लोअर ये रहा। तो ये होता है एजुकेशन, ये होता है एजुकेशन, क्योंकि भैया 45,003 से एक्टिव हो गया ना, तो 126 का लोअर देगा, और सामने 44,200 अगर एक्टिव हो रहा है, 44,600 अगर एक्टिव हो रहा है यहाँ पे नीचे, तो समझ लो कि वो फिर खींच लेगा नीचे। तो 44,200 तो है ना, वो सिर्फ सेटलमेंट की स्ट्राइक है यहाँ पे, वो सेटलमेंट की स्ट्राइक, लेकिन मार्केट का जो लेवल है ना, वो लेवल सिर्फ यहाँ तक के लेवल है, पुट के लेवल सिर्फ यहाँ तक के लेवल है, और मार्केट नीचे गिरता है तो बराबर है, लेकिन ये मैंने इस स्ट्राइक का मैंने आपको चार्ट दिखाया कि 44,200 किस तरह से वर्क करेगा। तो 44,200 है ना यहाँ पर सेटलमेंट करेगा, 44,200 जो ये स्ट्राइक है, अगर मान लो मार्केट ऊपर चला जाता है तो वो यहाँ पे सेटलमेंट कर रहा है, तो उनको कोई लॉस है ही नहीं। पहली बात तो बिल्कुल लॉस नहीं है, वो तो कोई लॉस ही नहीं है सेलर को, वो नीचे की स्ट्राइक को जो संख्या उसकी बनती है वही संख्या को ऊपर ले, 45,356.40, 44,640.56, सिर्फ अंकों को ही इसने पूरा घुमाया है और कुछ नहीं किया, यानी नीचे वाला ऊपर सेटलमेंट कर रहा है, और ऊपर जाने के बाद में जब आप सी में एंट्री लेते हो तो वापस पुट कर देता है, नीचे चला आता है डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम देने के लिए। तो ये एक दो तीन, ये चौथा बॉटम जो है ना, ये बनने के बाद में आप पुट किया है एंट्री लो, उसके बिना एंट्री मत लो पुट के लो, और मान लो नीचे तोड़ ही देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रीमियम जैसे काम करेंगे ना वैसे ही काम करेंगे, तो उनके लोअर अगर मान लो मैंने 126 के बताया तो दूसरे लोअर उनके चेंज हो जाएंगे, तो लोअर ये देगा। तो ये प्लान बी होता है हमारा, ये हमारा प्लान भी होता है कि मान लो लोअर मैंने आपको इतना दिया, 388 का दिया, तो अगर नया सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है तो 320 का ही टारगेट मुझे देना पड़ेगा, 320 का टारगेट है, 320 324 गया, यानी नीचे वाली जो 44,200 की स्ट्राइक ना उसने सेटलमेंट कर लिया, यानी इतनी लंबी लंबी रेखाएं बना नहीं सकता हूँ मैं, बिकॉज कि आपको लगेगा कि बहुत लंबा ही नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे 320 का 324 का आपको टारगेट दे रहा हूँ इस फुट का बराबर, और लोअर के टारगेट यानी 126 के लोअर यानी सी का टारगेट भी आपको दे रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे दे रहा हूँ, कि जैसे 112 को हिट हुआ तो 124 को हिट हुआ, उसके बाद में 148,156 का टारगेट है, बिकॉज कि ये जो प्रीमियम 155 का लोअर है यानी सी की साइड में। तो करे कुछ नहीं, इसको सीख कर काम करे, महान कवि कालिदास अगर बनना हो तो सेलर्स के तौर तरीके सीखना जरूरी है, सेलर्स वही महान कवि कालिदास है यहाँ पर। इसलिए मैं मेरे ग्रुप के अंदर कहता हूँ कि अगर मानो कहानी को जो सीखे है वो कहानी को छोड़ा नहीं है, तो हमें कुछ भी मार्केट नहीं आएगा। इसलिए महान इंसान ने जो काम किए उस काम को फॉलो करो। यहाँ पर आप मेरा व्हाट्सएप पे थंबनेल देखोगे ना, तो ये थंबनेल जो है ना मेरा व्हाट्सएप पे जो पोस्टर है ना, वो पूरा मेडिटेशन का पोस्टर है यहाँ। तो ये रात को 2:20 को वीडियो बनाना, ये अमृत वेले का समय, ये अमृत वेले का समय, यानी यहाँ पर जब भी आप जो विश मांगते हो परमात्मा से वो आपको मिल जाती है। तो 2:20 का समय होता है यहाँ पे अमृत वेले का, तो
यहाँ पर मैं भी कुछ मांग रहा हूँ परमात्मा से कि मेरे पास वो क्लाइंट लाए जिन्हें सीखना है, जिन्हें समझना है, जिन्हें लंबे सफर की जर्नी तय करनी है, बैंक ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बोलो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोलो, और सोच समझ कर प्लान बी के साथ रेडी रहना। मान लो ये सब कुछ झूठा मेरा साबित होगा, लेकिन एक चीज है, मेरा प्लान बी सक्सेस होगा। वो प्लान बी वो है कि मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए ना, वहां पे हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो इसमें मैंने ड्राइंग की। वो जहां जाए वहां हम जाएंगे। आशा रखता हूँ, 20 मिनट का वीडियो है, बहुत लंबा बन गया है, लेकिन मान लो आपने अगर पूरा देख लिया है ना और पूरा सुन लिया है तो ही, और इसको पचा भी लिया है, देखो एक्शन लेना, देखना, समझना, ये सब अलग चीज़ है, एक्शन लेना बहुत अलग चीज़ है। जब तक आप एक्शन में नहीं आते, जब तक आप मेंटर नहीं बनाते किसी को, जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो, जब तक किसी को ज्वाइन नहीं करते हो, जैसे महान कवि कालिदास ने कवि बनने के लिए भी किसी गुरु की दीक्षा ली थी, किसी गुरु के पास गया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप दीक्षा लो, लेकिन एक चीज़ है कि आप यहाँ पे जुड़ो और सीखो। तो मेरा नंबर जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, डीमेट अकाउंट अगर नहीं है और लॉस हो रहा है डीमेट में, आपका टैक्स वगैरह ज़्यादा जा रहा है, आपका जो ओवर ट्रेडिंग हो रहा है उसमें लॉस ज़्यादा जा रहा है, तो हमारे पास 1 मंथ का डीमेट अकाउंट ब्रोकरेज का सेटलमेंट फ्री है पूरा का पूरा। तो पेटीएम की लिंक पड़ी है ना, उसमें जाकर करना कुछ नहीं, वो लिंक को अपने डॉक्यूमेंट खुद ही डाल देना और खुद ही डीमेट अकाउंट ओपन करना। बैकिंग सपोर्ट पूरा आपको मिल जाएगा, डेली की 2 ट्रेड सेशन लेनी है आपने, 2 ट्रेड सेशन के बाद में आपको सीखने में ध्यान देना है, ना कि कॉल में कमाने में ध्यान देना। अगर मान लो 2 से 5 कॉल होगी ना तो गंदी आदत हो जाएगी मार्केट के अंदर, इमोशन कंट्रोल टूट जाएगा आपका, भावना में बह जाओगे, फ्लो हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, लॉस दिखेगा। 2 ट्रेड आपको मिल जाएंगे कॉल पुट दोनों के, अभी वन साइड के कॉल मिल जाएंगे आपको, प्रॉफिट बुक करना आराम से, एंजॉय करो जीवन, बहुत ही यानी बहुत ही अच्छा जीवन है ये। लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट मत रहो, पहले तो हिम्मत तभी आएगी ना जब हिम्मत टूटेगी, और हिम्मत हिम्मत जब टूटती है ना तो समझ लो इंसान शून्य पर चला जाता है, और शून्य से ही नई शुरुआत होती है। इसलिए कभी अपने आप को हारा हुआ मत समझो। मैंने हमेशा एक ही चीज़ मेरे लोगों से कही है, जब मैं मोटिवेट करने के लिए लोगों को जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो एक ही चीज़ मैंने कही है कि उस दिन से आपकी जीत की शुरुआत होगी जिस दिन आप पूरे को पूरे हार जाओगे, थक जाओगे, टूट जाओगे, बीच में कहीं लटकते रहे, मौज मस्ती करते रहे, भोगविलास करते रहे, तो कहीं से शुरुआत नहीं होने वाली है यहाँ पर जीवन में। जीवन का सार बहुत ही अच्छा है, उम्दा है, ऑनेस्ट रहे, प्रामाणिक रहे और सीखे। इसी शब्दों के साथ मेरे वीडियो को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।